हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल करके सिखा दिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 25/6 - 9y = 11। तो इसमें हम वाई का वैल्यू निकाल देंगे, जो वाई का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम हल करना सिखाते हैं। तो हल में हम सेम क्वेश्चन 25/6 - 9y = 11 या -9y = 11। अब ये देखिए 25/6 = के उस साइड जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 25/6। और यह देखिए 11 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या -9y = 1 और 6 का लघुत्तम 6 होगा। अब देखिए 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा 66 होगा। 6 में 6 से भाग देंगे 1 आएगा, 25 में गुना करेंगे तो 25 आएगा। अब इसे आगे हल करते हैं। या y = एक स्टेप और ले चलते हैं, या -9y = देखिए 66 में से 25 घटेगा 41/6, या y = 41/6 गुना -9 y = 41/6। अब देखिए 9 में 6 से गुना होगा, 54 आएगा और ये माइनस नीचे के हम अंश में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है 2.4 = x/2.5 - 1। तो इसे हम हल करेंगे। हल में 2.4 = x/2.5 - 1 या 2.4 + 1 = x/2.5। अब यह देखिए 2.4 + 1 = 3.4 या लिख देंगे बराबर 1/2.5। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए एक्स में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा और इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा 25 * 4 = 100 और 25 * 3 = 75 = 10 = 85 इतना आया। और देखिए यहाँ 1 अंक पहले दशमलव, यहाँ 1 अंक 2 अंक, ये हमारा 8.50, ये एक्स का मान हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x + 10 = 1। तो इसे हम हल करेंगे। तो 3x + 10 = 1 या 3x = 1 - 10। ये माइनस पहले हम बता चुके हैं कि बराबर के इधर प्लस होगा उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, अगर इधर माइनस होगा वो बराबर के उस साइड होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यह देखिए या 3x = -9, x = -9/3, यह देखिए 3 बार में कट जाएगा तो x = -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बनाते हुए बढ़ेंगे।